But I need to tell you something. हेलो गाइस, वेलकम टू देशी मेड न्यूज़। तो गाइस आज हम बात करेंगे निक फ्यूरी के बारे में। तो सभी मार्वल फैंस के लिए काफी बड़ी खुशखबरी है कि निक फ्यूरी रिटर्न हो रहे हैं स्पाइडरमैन 2 में। जी हाँ, आपने सही सुना, क्योंकि ये मार्वल फेज 4 की पहली मूवी होगी और डायरेक्ट एवेंजर इन्फिनिटी वॉर से कनेक्टेड होगी। तो मुझे लगता है कि कुछ जब बड़े एवेंजर्स मर जाएंगे तो निक फ्यूरी, जिसको भी एवेंजर इन्फिनिटी वॉर के इवेंट में जितने भी नए नए एवेंजर्स को देखेंगे, तो शायद वो एक यंग एवेंजर टीम बनाने के लिए स्पाइडरमैन का सहारा ले सकते हैं। और स्पाइडरमैन को इसलिए वो लंदन में ढूंढने आए हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, लंदन में इस टाइम शूटिंग चल रही है सैमुअल जैक्सन की, जिनका आज पहला दिन था, और देन टॉम हॉलैंड की तो काफी दिनों से शूटिंग चली रही है। तो ये दोनों की एक ही जगह शूटिंग होने का कनेक्शन है सीधे कि ये दोनों एक ही मूवी में है। और फाइनली निक फ्यूरी बहुत ही दमदार एक्टर है, और उन्होंने अभी हाल ही में सैमुअल जैक्सन ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम पर एक शील्ड का खत डाला है और देन कुछ इमेजेस डाली है, जो कि उन्होंने बोला है कि ये फिल्म अभी स्टार्ट हो चुकी है, यानी कि उनका आज पहला दिन है शूटिंग में। तो बहुत ही अच्छी बात है कि हमें निक फ्यूरी स्पाइडरमैन मूवी में देखेंगे। उसके बाद इस मूवी में एक और कास्ट हुई है दमदार एक्टर, वो है जेबी। तो जेबी बहुत ही अच्छे एक्टर हैं, जो कि स्पाइडरमैन मूवी में कास्ट करे गए हैं ऑफिशियली अनाउंस के साथ। और देन काफी लोगों का मानना ये है कि ये शायद एक ब्लैक जे जेमिसन का रोल कर सकते हैं, जो कि एक न्यूज रिपोर्टर के मालिक है, यानी कि न्यूज कंपनी के। जी हाँ, एक अखबार के। तो शायद आप इस कैरेक्टर बहुत ही अच्छे तरीके से जानते भी होंगे। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर करो। जो बंदे इस वीडियो को नहीं देखे, या तो उस पर एंटमैन के हाथ मारो या पैर मारो। सब्सक्राइब करो। बाय बाय, जा रहा हूँ।